नमो भगवती वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे देव उठनी एकादशी के व्रत की कथा। इस व्रत की कथा के प्रभाव से व्यक्ति को जन्म मरण के चक्कर से व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को देवों की दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। इसे छोटी दीपावली या फिर प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही सभी देवतागण निद्रा की अवस्था से 4 महीने बाद जागते हैं, ऐसी मान्यता है। इस व्रत की कथा के श्रवण से व्यक्ति को कई सारे परेशानियों से तो मुक्ति मिलती है, साथ ही भगवान श्री हरि की कृपा की प्राप्ति होती है। वैसे भी यह एकादशी अपने आप में ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, माना जाता है। इस दिन जो भी भक्त एकादशी के व्रत को करते हैं, आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान श्री हरि का पूजन पाठ करते हैं, उस व्यक्ति को अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। आइए आज हम सुनेंगे देव उठनी एकादशी व्रत की कथा। सबसे पहले भगवान श्री गणेश, जो कि प्रथम पूज्य देवता हैं, उनका ध्यान करेंगे। उसके बाद कथा आरंभ करेंगे। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सम प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पौराणिक काल की बात है, एक ऐसा राज्य था जहाँ के सभी लोग एकादशी का व्रत नियम से रखते थे। उस दिन नगर के किसी भी व्यक्ति को या पशु पक्षी को भी अन्न का एक दाना भी नहीं दिया जाता था, और यह एक ऐसी दिनचर्या बन गई थी जिसे पशु पक्षी मानव सभी पालन भी करते थे। एक समय ऐसा हुआ कि दूसरी जगह का एक व्यक्ति राजा के दरबार में आ पहुंचा और उनसे नौकरी देने की प्रार्थना करने लगा। तब राजा ने कहा, नौकरी तक तो ठीक है, लेकिन हमारी एक शर्त है। माह में 2 एकादशियां होती हैं और उस एकादशी में किसी भी प्रकार का अन्न नहीं मिलेगा। राजा ने यह शर्त बताई और उस व्यक्ति ने उस शर्त को पूर्ण तरीके से मान भी लिया। अगले ही माह एकादशी का व्रत था, उस दिन किसी भी प्रकार का उसे भोजन अन्न नहीं मिला, बल्कि पेट भरने के लिए उसे फलाहार की सामग्री दी गई। वह जब राज दरबार में पहुंचा, तब राजा से कहने लगा, फलाहार से भला उसका पेट कहाँ भर पाएगा, उसे तो अन्न की ज़रूरत है। यदि अन्न उसे नहीं मिला तब तो उसके प्राण ही निकल जाएंगे। वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा। इस पर राजा ने उस व्यक्ति को नौकरी की शर्त याद दिलाई। फिर भी वह राजा से अन्न की मांग को करता रहा। उसकी स्थिति को देखकर राजा ने उसे अन्न देने का आदेश दे दिया। तब उसे आटा, चावल और दाल दिया गया। नदी के तट पर जा पहुंचा उसके पश्चात फिर सबसे पहले उसने स्नान किया और भोजन को तैयार किया। जब खाना बन गया तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि भोजन तैयार है, आप भोजन को ग्रहण करें। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज स्वरूप में पीताम्बर धारण किए प्रकट हो गए। उसने प्रभु जी के लिए भोजन को परोसा। भगवान विष्णु अपने अनन्य भक्त के साथ भोजन सप्रेम करने लगे। भोजन के बाद अपने लोक को भगवान वापस लौट गए और वह व्यक्ति भी काम पर चला गया। जब अगली एकादशी आई तब उसने राजा से कहा कि उसे दुगुना अन्न दिया जाए। पहली बार एकादशी पर जो अन्न दिया गया था उसमें एक साथ 2 लोगों का भोजन नहीं हो सकता है, अतः मैं तो भूखा ही रह गया। उतने अन्न में मैं भोजन ठीक से कर ही नहीं पाया। उसकी बात सुनकर राजा तो आश्चर्य में पड़ गया। तब राजा ने कहा, मुझे अजीब सा यह सुनकर लग रहा है, लेकिन बात क्या है। तब उस व्यक्ति ने कहा, मेरे साथ तो भगवान भी भोजन करते हैं, भला एक आदमी का अपने भोजन दिया था, उसमें 2 व्यक्ति भोजन कैसे कर सकते हैं। तब राजा बोला, मुझे तो तुम्हारी बात पर तनिक भी विश्वास नहीं है,
ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान तुम्हारे साथ भोजन करते हैं? तुम तो ना तो किसी नियम को मानते हो, ना एकादशी के व्रत को करते हो, ना ही पूजा पाठ करते हो, और आज तक तुमने भगवान के तो दर्शन भी नहीं किए हैं। तब ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान तुम्हारे साथ बैठकर भोजन करते हैं? इस पर नौकर ने राजा से कहा, यदि आपको विश्वास न हो तो आप मेरे साथ चल पड़े, स्वयं ही अपनी नज़रों से आप देख लेंगे। एकादशी के दिन राजा पेड़ के पीछे छिप गया। नौकर हमेशा की तरह ही नदी में स्नान करने लगा और स्नान के पश्चात उसने भोजन को तैयार किया। फिर उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, भोजन तैयार है, भोजन आप ग्रहण कर लें। परंतु इस बार भगवान तो आए ही नहीं। उसने कई बार पुकारा और आखिरकार भगवान आए नहीं। तब उसने कहा, यदि आप नहीं आए तो वह इस नदी में कूद कर अपने प्राणों को त्याग देगा। भगवान तो फिर भी नहीं आए और वह आखिरकार नदी में कूदने के लिए आगे की ओर बढ़ पड़ा। तभी भगवान प्रकट हो गए और उसे रोक लिया, उसके साथ बैठकर भोजन किया और उसके पश्चात उसे अपने साथ विमान में बैठा लिया, अपने साथ लेकर वैकुंठ धाम को चले गए। यह देखने के बाद राजा को इस बात का आभास हुआ कि मन की शुद्धता के साथ ही व्रत और उपवास का फल प्राप्त होता है। उसके बाद से राजा भी पवित्र मन से व्रत और उपवास करने लगा। जीवन के अंत समय में उसे भी स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। सभी सुखों को इस लोक में भोगने के पश्चात उसने स्वर्ग में भी सभी प्रकार के सुखों का भोग किया। बोलो श्री नारायण की जय, बोलो श्री हरि की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।